एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, निरंतर प्रयास के बाद भी मुझे अच्छे अवसर क्यों नहीं प्राप्त होते, जिससे मैं जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं? गुरुदेव ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हें अपने प्रश्न का जवाब इस कहानी के माध्यम से मिल जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था, जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और वह फिर से अपने गांव वापस चला गया। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से उन्होंने कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर-दर भटका और अंत में हताश होकर वापस अपने गांव लौट गया, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। आशा करते हैं आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।